वहीं कश्मीर की दो सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 9 और 12 अप्रैल को ये उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर आपको ये बता दिया जाए, ये चुनाव श्रीनगर और अनंतनाग सीट पर होने हैं, जिसको लेकर अलग अलग जगह पर जिला अधिकारी बैठक कर रहे हैं ताकि ये चुनाव ठीक तरह से हो सके। मंगलवार को भी एक बैठक का आयोजन किया गया, जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने इस बैठक को लिया, जिसमें ये नसीहत दी गई कि चुनावों को किस तरह से सही कराया जाए, ठीक ठाक से ये कराया जाए, क्योंकि अलगाववादियों ने भी चुनाव ना होने के की बात की है, उन्होंने बंद का ऐलान किया है। बहुत तरह की चीज़ें देखने को सामने आ रही हैं, जिसको लेकर कि सभी लोग सतर्क हैं और समय समय पर बैठक की जा रही हैं कि किस तरह से इन दो सीटों पर चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सके।